नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेट में पानी भर जाना यानी एसाइटिस जिसको बोलते हैं जलोदर, वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम मुंह से कुछ भी खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारा जाता है स्टमक में, जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जाता है इंटेस्टाइन में। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आर्गन होते हैं और जो भी आर्गन है उनमें क्या होती है, उन आर्गन्स के बीच और जो उनकी लेयर होती है उनके बीच एक कैविटी रहती है, उस कैविटी में झिल्ली नुमा परत रहती है, जैसे पॉलीथीन की परत होती है। पॉलीथीन की परत को आप इकट्ठा कर दो लेकिन अलग करो तो उसमें काफ़ी स्पेस रहता है, उसी तरह झिल्ली नुमा झिल्लीदार परत रहती है। और उससे क्या होता है कि उसको वो परत हम क्या बनाती है, पेरिटोनियम बनाती है। और पेरिटोनियम क्या होती है कि चिकनी थैली होती है जिसमें शरीर के अंग जो होते हैं, हमारे ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो होते हैं। अब पेरिटोनियम में थोड़ी मात्रा में क्या होता है कि तरल पदार्थ होना सामान्य बात है, लेकिन जब उसमें फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या होती है कि फैलने लगती है और हमारा एब्डोमेन जो है डिस्टेंडेड हो जाता है, उसी को एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस जो होता है तो लीवर सिरोसिस जो होता है, क्या होता है कि इसका सबसे आम कारण है, लीवर सिरोसिस जो है आम कारण है, मेन कॉज है। जब सिरोसिस होता है तो लीवर में क्या होता है कि खून जो होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है, सर्कुलेशन जो होता है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और रुक जाता है तो उसको क्या होते हैं कि क्या होते हैं कि पोर्टल वेन जो होती है वो क्या होती है कि मेन वेन है, पोर्टल वेन, तो जो क्या करती है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से क्या करती है कि ब्लड जो है वो क्या करती है कि लीवर तक पहुँचाती है। और इस स्थिति को क्या करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और यही स्थिति एसाइटिस कहलाती है। यानी लीवर हमारा क्या होता है कि सूख जाता है, सिरोसिस हो जाए, वही मेन कारण है। इसका कारण क्या होता है, किडनी डिसीज भी हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। और इसका मेन कारण क्या होता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर ही होता है, लेकिन क्या होता है प्राइमरी कारण इसका ये होता है कार्डियक फेल्योर होता है, सिरोसिस होता है और कैंसर होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके टाइप कितने होते हैं, एसाइटिस के टाइप कितने होते हैं, तो पहला हिपैटिक एसाइटिस। हिपैटिक जैसा कि हिपैटिक नाम है, तो जब हमारा लीवर में सिरोसिस हो जाती है, हिपेटाइटिस ए भी हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर मतलब लीवर में खराबी आ जाए, उसके कारण जो एसाइटिस होती है उसको हिपैटिक एसाइटिस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कार्डियोजेनिक एसाइटिस। जब कार्डियक फेल्योर, हार्ट फेल्योर की कंडीशन आती है, हार्ट में दिक्कत की वजह से एसाइटिस होती है, उसको कार्डियोजेनिक एसाइटिस बोलते हैं। और इसके बाद नेफ्रोजेनिक एसाइटिस। थर्ड क्या है, नेफ्रोजेनिक। जब हमारी रीनल डिसीज, किडनी संबंधित समस्याओं के कारण एसाइटिस होती है, उसको रीनल एसाइटिस बोलते हैं, नेफ्रोटिक एसाइटिस बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मैलिग्नेंट, यानी मैलिग्नेंट एसाइटिस, यानी जब मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के चांसेस हो, उसके कारण एसाइटिस हो, उसको मैलिग्नेंट एसाइटिस बोलते हैं। या और इन्फेक्शन भी हो जाए, इन्फेक्शन के कारण भी एसाइटिस हो सकती है, हमारा पचवा कारण। और अदर कॉज भी हो सकता है, जैसे ओवेरियन सिस्ट हो जाए, ओवरी में गड़बड़ी हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, तो इन कारणों से भी एसाइटिस हो सकता है। अब एसाइटिस के सिम्टम क्या आएंगे, एसाइटिस सिम्टम में क्या होता है कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्लूड भर जाता है, समझिए कि 20 से 25 लीटर तक फ्लूड एसाइटिस में भर जाता है, 5-10 लीटर का तो पता ही नहीं चल पाता। तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, सांस भी फूलने लगती है और पेट फूला फूला लगता है, उसमें हार्ट में प्रेशर पड़ता है, किडनी में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सोडियम जो है तो नहीं निकाल पाती किडनी, किडनी फंक्शन डैमेज होने लगती है, सोडियम नहीं निकाल पाती, उससे वाटर रिटेंशन बढ़ता जाता है, एसाइटिस बढ़ती जाती है और पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखता है। अब इसके फिर इसमें क्या होता है, ये कंडीशन जो है फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसकी जांच लेबोरेटरी टेस्ट क्या कराते हैं, सबसे पहले तो वही एसाइटिस फ्लूड नीडल से निकाल के उसकी जांच कराते हैं, उसी फ्लूड में 90% डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है कि किस वजह से एसाइटिस हुआ है। और अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, अच्छा रेडियोग्राफी जो करता है, रेडियोग्राफर होता है, वो पहली बार की जाँच में ही उसका कारण पकड़ लेता है कि किस वजह से एसाइटिस हुई है। इसके बाद एंडोस्कोपी भी हो सकती है, कोलोनोस्कोपी के द्वारा भी एसाइटिस का पता कर सकते हैं। और
स्कैन के द्वारा भी एसआईटिस को डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जिस कारण से हुआ है, यदि टीबी के कारण हुआ है या सिरोसिस के कारण हुआ है या कैंसर के कारण होता है, तो एसआईटिस के साथ साथ उसका भी इलाज किया जाता है और फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग इलाज कराना चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा एसआईटिस के बारे में, आपको और कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स करें, तथा यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।